हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने MSME के विकास के लिए NSE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में इसे कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, के विकास के लिए NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उत्तराखंड ने। और हमारे वर्तमान में MSME मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और ये समझौता किया है उत्तराखंड ने। तो हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और ये उत्तराखंड की नई राज्यपाल बनी हैं, तो इसलिए इनका नाम आप याद रखिए। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के प्रमुख बांध हैं टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध, ये दोनों ही बांध भागीरथी नदी पर बने हुए हैं। और उत्तराखंड में प्रमुख लोक नृत्य हैं चोलिया और पांडव। चोलिया और पांडव ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में जिले हैं 13 जिले, लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न, तीरंदाज हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा खेल 2018 में कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाज हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा खेल जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहे हैं, उसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। एशियाई पैरा खेल 2018 इंडोनेशिया में हो रहे हैं, और ये एशियाई पैरा खेलों का तीसरा संस्करण है। एशियाई पैरा खेलों का चौथा संस्करण चीन के हांगजो शहर में होगा, तो ये भी आप याद रखिए। एशियाई पैरा खेलों का चौथा संस्करण 2022 में चीन के हांगजो शहर में होगा। अगला प्रश्न है, जीका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला शहर कौन सा है? तो जीका वायरस जो कि मच्छर के काटने से फैलता है, इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य है, सबसे अधिक प्रभावित होने वाला शहर है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और इसे जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो जीका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला शहर है जयपुर। अगला प्रश्न है, अन्नापूर्णा देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थी? तो अन्नापूर्णा देवी इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये थी एक प्रसिद्ध संगीतकार। ये 91 वर्ष की थी और इनका मुंबई में निधन हो गया है। और ये सुरभार वादक थी। सुरभार सितार के जैसा ही होता है, एक वाद्य यंत्र होता है सितार की तरह ही होता है, तो ये सुरभार बजाती थी। और इन्हें शास्त्रीय संगीत के लिए 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और इनका विवाह हुआ था पंडित रवि शंकर से। पंडित रवि शंकर जो कि बहुत ही फेमस सितार वादक थे, पंडित रवि शंकर को भारत रत्न मिल चुका है, आपको पता होगा, और एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित रवि शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो पंडित रवि शंकर बजाते थे सितार। हालांकि बाद में इनका पंडित रविशंकर से तलाक हो गया था। अगला प्रश्न, के जेनिता एंटो ने एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो के जेनिता एंटो ने एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, और ये संबंधित हैं शतरंज से। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं के जेनिता एंटो, और इन्होंने एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, और ये शतरंज से संबंधित हैं। इन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है,
और यहाँ पर बात हुई महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में, महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट की यहाँ पर बात हुई, और पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में शतरंज में स्वर्ण पदक जीता है किशन गंगोली ने। तो इनका नाम भी आप याद रखिए, किशन गंगोली ने शतरंज में पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है? तो आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस की थीम है, थीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। ये इस बार के अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस की थीम है और हिंदी में इसे कहेंगे आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना। और यहाँ पर ऑप्शन में मैंने लिखा है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस। अगला प्रश्न है निक कॉम्पटन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है निक कॉम्पटन, और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। और यहाँ पर बात हुई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है पर्यावरण समूह ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादक है? तो पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करने वाला ब्रांड है कोका कोला, और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करने वाला ब्रांड है पेप्सिको, और तीसरा है नेस्ले। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए, कोका कोला, पेप्सिको और नेस्ले। अगला प्रश्न है एशियाई पैरा खेलों में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो एशियाई पैरा खेलों में सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक जीता है जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं सुंदर सिंह गुर्जर, और इन्होंने पुरुषों की F46 श्रेणी में रजत पदक जीता है। F46 विकलांगता शरीर के ऊपरी हिस्से के किसी अंग की कमजोरी से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीनिवास स्वामी को। यह जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं श्रीनिवास स्वामी, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे एना पोलिट कोप्सिया का अवार्ड दिया गया? तो अभी हाल ही में एना पोलिट कोप्स का अवार्ड दिया गया है बिना लक्ष्मी नेप्राम को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं बिना लक्ष्मी नेप्राम, और ये एक लेखिका हैं, और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है टेक्सास ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप किसने जीती? तो टेक्सास ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप जीता है विक्रम मल्होत्रा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है विक्रम मल्होत्रा, और इन्होंने टेक्सास ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू हुई आईसीसी महिला T20 टीमों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक है 5वीं, और इसमें 46 टीमों को शामिल किया गया था, और इसमें पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड, और भारत का स्थान है 5वां। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, और आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन हैं, और आईसीसी के सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन आईसीसी के सीईओ हैं। और कल का प्रश्न, कल मैंने प्रश्न पूछा था हाल ही में किसे भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी तुषार मेहता, और लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और आज का प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की सरकार ने किस सिटी के साथ ट्विन सिटी समझौता किया है, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड।